हेलो दोस्तों, मैं हूं राज। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक टेस्टिंग वीडियो। आप सभी का काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था जब से मैंने अपना पिछला वीडियो डाला था, साउंड स्टैंडर्ड का CA20 प्लस का रिव्यू जब से मैंने किया है। उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 ओम पर यह 3200 वाट की आपका आउटपुट देता है, जिसे मैंने टेस्ट करके भी बताया था। आप सभी ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि एक सेटअप के साथ वीडियो लाओ, इसका बेस का प्रेशर कैसा है, जैसे ये कि क्लास आई का एम्पलीफायर है दोस्तों। तो अगर आप इसकी रिव्यू उसके साथ टेस्टिंग का कुछ डिटेल्स देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसके डिटेल्स मिल जाएंगे, वो वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज आपको इसके वायरिंग में क्या देखने को मिल जाता है। इसकी वायरिंग देखते हैं। इसकी वायरिंग में दोस्तों हमने कर रखी है 2 चैनल में, एक चैनल में दोनों टॉप को लगा रखा है 15 के, और एक चैनल में 2 बेस को लगा रखा है। आप देख सकते हो एक वायरिंग के साथ अभी तक इसमें स्पीकॉन इनपुट्स लगे नहीं हैं, वो लगा दिए जाएंगे। इसमें आप देख सकते हो वायरिंग आपका दोनों बेस एक ही चैनल में दिया गया है, दोनों टॉप एक ही चैनल में भी दिया गया है। तो इसी बेसिस पे हम आज टेस्ट करके देखेंगे कि ये क्लास आई का एम्पलीफायर किस टाइप से, किस तरीके से हमें आउटपुट देता है, बेस का प्रेशर देता है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। DJ Vinay Kumar. Thank you.
आपने टेस्टिंग वीडियो में देखा, दो टॉप देव बेस को टेस्ट करके हमने देखा, एक चैनल पे दो बेस था, टॉप में दो बेस था, टॉप में 400-400 वाट के स्पीकर से बेस में आपको थंडर यूएसए की तरफ से 1500 वाट के स्पीकर आपको देखने को मिल गए, जो कि 5 इंच वॉइस कॉल में आ जाता है। दोस्तों मुझे तो आउटपुट इसका बहुत अच्छा लगा, बेस का प्रेशर बहुत ही तगड़ा था, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ इसका प्रेशर काफ़ी अच्छा था। इसका लगभग 230 से 240 के आसपास इसकी डंपिंग फैक्टर है, जो कि क्लास आई की है। बाकी का अगर आप देखो तो क्लास एच के 800 से 1000 की डंपिंग फैक्टर भी जो प्रेशर आपको देखने को मिल जाती है, उसका बराबर मुझे इसमें प्रेशर आज देखने को मिला। आपको इस वीडियो में क्या चीज़, कौन सी ऐसे खास चीज़ें देखने को मिली, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स मिली, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और मुझे बताओ आपको ये टेस्टिंग वीडियो कैसा लगा, इसका इस एम्पलीफायर का आपको ये पसंद आया, अच्छा लगा, बुरा लगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।